लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वह गृह मंत्रालय के नए फैसले का स्वागत किया है और अमित शाह के साथ इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहारियों के बाहर फंसे होने के कारण परेशान थे वे और इस विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि जल्द वह बाहर फंसे लोगों की मदद करे। वह कल रात को चिराग ने देश के गृह मंत्री से अपनी बात रखी थी जिसमें उन्होंने कहा बिहार सरकार के दर सरकार के आदेश के बाद ही कोई निर्णय लेगी, कृपया केंद्र सरकार इस पर पहल करे, जिस पर अमित शाह ने जल्द कोई कदम उठाने की बात कही थी। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। सर्वप्रथम मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर के लोग अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, राज्य सरकारें उचित व्यवस्था कर उन्हें अपने प्रदेश में लेकर आए। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से यह चिंता का विषय था। दो दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृहमंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भी संज्ञान में है किस तरीके से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कोई उचित कदम उठाएगी। ये विश्वास कल रात आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे दिया था और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।